नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी पर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ देव शंकर। उत्तर प्रदेश के जनपद फरुखाबाद में बहुचर्चित केस फुटेदार राम नरेश की हत्यारों के पुलिस करीब पहुंच रही है। आपको बता दें, एक सीसीटीवी फुटेज में हत्यारे रिकॉर्ड हो गए हैं, जब वह सबको बाइक पर रखकर फेंकने जा रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये पहचान करने वालों को इनाम भी देने की बात कर रही है। आपको बता दें कि ये सीसीटीवी फुटेज के आधार पर साबित हो गया है, फुटेदार राम नरेश की हत्या 14 मार्च को ही हुई थी। जनपद फरुखाबाद में पुलिस चांदपुर के कोटेदार राम नरेश के हत्यारों के करीब पहुंच गई है। हत्यारे शव को बाइक पर रखकर फेंकने के लिए जाते समय आवास विकास कॉलोनी में एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। वहीं पुलिस ने फोटो देखकर हत्यारों को पहचानने वालों को नकद इनाम देने की घोषणा की है। साथ ही सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखकर यह प्रमाणित हो गया कि कोटेदार की हत्या 14 मार्च को की गई थी। वहीं उसी दिन 11:15 बजे के करीब दो लोग शव को बाइक पर रखकर नाले में डालकर आए थे। वहीं 16 मार्च को चांदपुर के कोटेदार का शव आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 1 में नाले में बोरे और झाल में बंद मिली थी। वहीं पुलिस उसी दिन से हत्या का सुराग लगाने में जुटी हुई है। पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग मिल गई, जिसमें 14 मार्च को दो लोग शव को स्प्लेंडर प्लस बाइक पर रखकर लकूला से आवास विकास कॉलोनी को जाने वाली सड़क पर डॉक्टर विपुल अग्रवाल के गेस्ट हाउस के सामने से होकर निकलते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इनमें आगे बैठे व्यक्ति ने अपना चेहरा ढक रखा था, जबकि सफेद झाल में पैक्ड शव को बीच में रखकर बैठे व्यक्ति का चेहरा खुला हुआ था। जिस नाले में शव मिला था वह गली इसी गली के सामने है। वहीं बताया जा रहा है कि दोनों को वापस आने में बमुश्किल 7 मिनट का समय लगा। दोनों इसी रास्ते से वापस आते समय चांदपुर की ओर जाते दिख रहे हैं। वहीं पुलिस ने दोनों के फोटो जारी किए और उन्हें पहचानने वाले को उचित नगद इनाम देने की घोषणा की है। सर, वांछित अपराधी पकड़ने के लिए वीडियो वायरल किया गया है। आप पिछले दिनों एक कोटेदार की हत्या हुई थी राम नरेश तिवारी की, उसमें लगातार अभियुक्तों का प्रयास, अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। इसी क्रम में एक वीडियो फुटेज प्राप्त हुआ है, जिसमें बाइक पर सवार अभियुक्त जा रहे हैं, उनके पीछे बोरे में बंधा हुआ बड़ा सा बोरा बंधा है, ऐसा लगता है कि डेड बॉडी उसमें है। तो इस वीडियो को आम किया गया है फुटेज को, ताकि इसको देख करके अगर कोई जानकारी दे सके तो अभियुक्तों तक हम पहुंच पाएंगे। और यह भी घोषित किया गया है कि जो सही और सटीक जानकारी देगा उसे उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा। सिपाही सुजान सिंह का क्या मामला था? सुजान सिंह की कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी, वो कुछ परेशान थे अपने कार्य क्षेत्र से और कुछ पारिवारिक समस्याएं थी, उनसे बात हो गई है और अब उनकी कोई समस्या नहीं। सीओ साहब के ऊपर सर आरोप लगाया है कि वो इधर से उधर तबादले कर रहे हैं। हमारे तबादला करना हमारे स्तर का काम है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए विनय यादव की रिपोर्ट, फरुखाबाद। बने रहिए टीवी वन इंडिया न्यूज के साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नगर पालिका को हमेशा साफ रखें, सफाई कर्मियों की सफाई करने में मदद करें, घर का कूड़ा नगर पालिका की ट्रॉली में ही डालें, साथ ही नगर में पानी की टंकी को खुला ना छोड़ें, वहीं नगर में पॉलिथीन का प्रयोग ना करें, नगर का गीला कूड़ा अलग बाल्टी में, सूखा कूड़ा अलग बाल्टी में डालें, क्योंकि आसपास स्वच्छता रखने से ही एक स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है। मैं विकास गौतम, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बीबी नगर, सभी नगर वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि होली अच्छे तरह से मनाएं, हंसी खुशी मनाएं, किसी प्रकार के सेवन से नशीले पदार्थ के सेवन से दूर रहें और शांति से अच्छी तरह से इस होली को मनाएं।